Hello everyone, welcome back to your UPSC. So guys, we will continue with our series, that is Aapno Rajasthan. For today we will look into nicknames given to various districts and cities of Rajasthan with the explanation. In the last lecture we have completed all the districts which brings Rajasthan on the top of the world. For today we will look into the nicknames given to Rajasthan cities and why are they given such names. Okay, so without any further ado, let's get started. तो अपना जो पहला district है वो है जोधपुर. जोधपुर. Now जोधपुर अपन देखेंगे कि सबसे पहले जो जोधपुर है इसे सन सिटी कहा जाता है. Now, इसे सन सिटी क्यों कहा जाता है? इसके दो रीजन हैं. फर्स्ट रीजन इज, विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कि ये एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर जो सनलाइट है वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब 365 डेज आपको अवेलेबल होती है. दैट इज वाई, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर आपके पास सनलाइट अवेलेबल है, सन की जो हीट अवेलेबल है, दैट इज वाई जोधपुर इज नोन एज सन सिटी. ओके, तो फर्स्ट रीजन इज सनलाइट, विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट रीजन. बट जो इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये है, जो रूलर ऑफ मारवाड़ थे, ओके, जो रूलर ऑफ मारवाड़ हैं वो डिवोटीज थे लॉर्ड सन के. ठीक है, सूर्य भगवान के डिवोटीज थे रूलर ऑफ मारवाड़, वो उनकी पूजा किया करते थे. दैट इज वाई जो जोधपुर है उसको सूर्य नगरी या सन सिटी कहा जाता है. रूलर ऑफ मारवाड़, ओके, तो ये हो गया पहला निकनेम गिवन टू जोधपुर. सेकंड इज, इट इज गेटवे ऑफ थार. ओके, जोधपुर इज द गेटवे ऑफ थार. व्हाई? सी गाइस, जोधपुर को गेटवे ऑफ थार बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से कहा जाता है, बिकॉज एक स्ट्रेटेजिक रोड निकल रही है विच इज कनेक्टिंग दिल्ली विद गुजरात. ठीक है, दिल्ली को गुजरात से कनेक्ट करने वाली एक रोड निकल रही है, तो बट ऑब्वियस रीजन राजस्थान से होकर गुजरेगी वो रोड. ओके, नाउ राजस्थान में जो ये रोड निकल रही है, राजस्थान से जो ये रोड निकल रही है वो जोधपुर से होकर गुजरती है. ओके, एंड दैट इज वाई जोधपुर इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक between all the major cities of India and Thar. तो जितनी भी major cities हैं India की और Thar के बीच में connecting link है कौन? जोधपुर. Now थर्ड निकनेम गिवन टू जोधपुर इज ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान. लेट मी शो यू अ पिक्चर विच विल मेक इट क्लियर कि जोधपुर को क्यों ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है. सी, जब आप फोर्ट से देखेंगे या किसी हायर पोजिशन से खड़े होकर देखेंगे तो नीचे का जो पूरा टाउन है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा. ओके, बिकॉज ऑफ द ब्लू पेंट ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेस. एंड मेनली ये माना जाता है जो हायर ब्राह्मण क्लास थी, हायर ब्राह्मणिकल क्लास थी, वो अपने हाउसेस को ब्लू पेंट कराते थे. दैट इज वाई जोधपुर इज नोन एज ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान. नाउ जोधपुर के तीनों निकनेम हो गए, दैट इज सन सिटी, ब्लू सिटी एंड देन गेट वे ऑफ थार. ओके, नाउ जोधपुर इज डन. नेक्स्ट सिटी इज जैसलमेर.
नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज जैसलमेर. नाउ जैसलमेर आप देखेंगे, इसे कहा जाता है अंडमान ऑफ राजस्थान. ओके, सो अंडमान क्या है? एक आइलैंड ग्रुप है. ओके, आइलैंड ग्रुप है राजस्थान का, सॉरी इंडिया का, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ वाटर बॉडी. ठीक है, वो क्या है? सेपरेटेड है इंडिया से बिकॉज ऑफ वाटर बॉडी. सो इन द सेम वे जैसलमेर क्या है? राजस्थान का पार्ट है, बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम राजस्थान बिकॉज ऑफ द सैंड. ठीक है, जो बड़ा सैंड का एक यू कह सकते हैं रेत का सागर जो है, उसकी वजह से जैसलमेर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन राजस्थान लाइक अंडमान. सो दैट इज वाई राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज जैसलमेर इज नोन एज, जस्ट अ सेकेंड, जैसलमेर इज नोन एज गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान. स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, एंड इसका भी क्लियर रीजन आपको फोटोग्राफ में मिल जाएगा. सी, ये है आपका जैसलमेर का एरियल व्यू. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, मेजर जितने भी फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, यहाँ तक कि जो टाउन्स हैं, वो येलो सैंडस्टोन से बने हुए हैं. येलो सैंडस्टोन से बने हुए हैं. वाई? क्योंकि यहाँ पर येलो सैंडस्टोन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है. ओके, सो दैट इज़ वाई जब ये येलो सैंडस्टोन से सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पूरा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बना हुआ है येलो सैंडस्टोन से, एंड व्हेन द सनलाइट हिट्स दीज येलो सैंडस्टोन, तो चमक इस तरीके की आती है कि ऐसा लगता है जैसे ये पूरी सिटी किसकी बनी हुई हो? गोल्ड की. ओके, सो दैट इज वाई जैसलमेर इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्ड या गोल्डन सिटी. एंड यहाँ पर एक महल है जिसे कहा जाता है सोनार का किला. ओके, या गोल्डन फोर्ट. ये भी आप देखेंगे येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, एंड व्हेन सनलाइट हिट्स दिस फोर्ट, तो इस तरीके की चमक आती है जैसे कि ये गोल्ड का बना हुआ हो. ओके, तो गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है अंडमान ऑफ राजस्थान, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान. एंड नेक्स्ट अपन देखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ हवेलीज. ओके, सो सी, जैसलमेर में बेसिकली आप देखेंगे सोनार का किला है, एंड उसके आसपास अर्लियर टाइम्स में, अर्लियर डेज में जितने भी बड़े बड़े मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर हवेलियां बना रखी हैं. ठीक है, अराउंड दिस फोर्ट काफ़ी सुंदर सुंदर हवेलियां बनी हुई हैं. देर आर न्यूमरस हवेलीज, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसलमेर फोर्ट के आसपास पटवाओं की हवेली है, देन वी हैव नटमल जी की हवेली, देन सलीम जी की हवेली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो काफ़ी सारी हवेलीज आपको देखने को मिलेंगी इन जैसलमेर. दैट इज वाई जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है सिटी ऑफ हवेलीज या हवेलियों का शहर. ओके, इसके बाद में जैसलमेर को सिटी ऑफ हवेलीज कह दिया. यहां पर आप देखेंगे जैसलमेर को सिटी ऑफ झरोकास भी कहा जाता है, झरोकों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है. एंड ये जो आप विंडोज देखेंगे जिसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं इस तरीके की हैं, एंड देन जाली वर्क है काफ़ी अच्छा, तो ये बेसिकली क्या है? ये झरोकाज हैं. ठीक है, ये झरोका हैं. बेसिकली ये झरोके इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कि पर्दा कल्चर है. ठीक है, तो वुमेन्स क्या हैं? वो पर्दा रखती हैं अपने सर पर, या फिर वो पर्दे में रहती हैं. सो दे डू नॉट शो देयर फेस टू एवरी मैन. ओके, सो दैट इज़ वाई कि बाहर जो भी इवेंट हो रहे हैं उनको जो वेमेन लिविंग इनसाइड द हवेलीज और फोर्ट्स वो इन्जॉय कर पाएँ, उन सारी चीज़ों को देख पाएँ, तो क्या किया गया? हवेलीज और फोर्ट्स में छोटे छोटे झरोके
या विंडोज़ बना दी गई जहाँ पर बैठकर आराम से जो विमेन हैं वो बाहर के जो इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं, कुछ कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, उन सबको देख सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं। तो बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं, हवेलीज हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे झरोखास होंगे, एंड दैट इज़ वाई जैसलमेर को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ झरोखास। ओके नाउ सिटी ऑफ हवेलीज, सिटी ऑफ झरोखास। नाउ नेक्स्ट इज जैसलमेर इज ऑल्सो नोन एज रोज ऑफ डेजर्ट। वाई रोज ऑफ डेजर्ट? सी रोज ऑफ डेजर्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज यू नो जैसलमेर क्या है, डेजर्ट रीजन है। ओके तो काफ़ी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, हार्श जोग्राफिकल कंडीशन है। देन टू जैसलमेर क्या है, हमेशा एवरग्रीन रहता है। ओके जैसलमेर एवरग्रीन रहता है हमेशा बिकॉज ऑफ द वर्क और इनिशिएटिव ऑफ, इफ आई कैन क्लियरली रिमेंबर, सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, तो पालीवाल ब्राह्मण जो थे उनके इनिशिएटिव की वजह से उन्होंने जो काफ़ी वर्क किया था जैसलमेर को ग्रीन करने में, उनके वर्क की वजह से जैसलमेर काफ़ी हरा भरा रहता है। एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि इतना डेजर्ट रीजन है, इतना हार्श क्लाइमेट है, एंड देन ऑल्सो इट इज़ फुल ऑफ लश ग्रीन गार्डन्स एंड ऑल, दैट इज़ वाई जैसलमेर इज़ नोन एज रोज ऑफ डेजर्ट्स। ओके इसके बाद आप देखेंगे जैसलमेर क्योंकि क्या है, डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी सनलाइट प्लस काफ़ी अच्छी विंड अवेलेबल है। ओके तो विंड एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है जैसलमेर में, दैट इज़ वाई यहाँ पर काफ़ी सारे विंड मिल्स लगाए हुए हैं। ओके टू जनरेट विंड पावर, जनरेट विंड पावर, यहाँ पर काफ़ी सारे विंड मिल्स लगाए हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस विंड मिल्स जैसलमेर को कहा जाता है सिटी ऑफ फैंस। ओके जैसलमेर को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ फैंस। तो जैसलमेर के अपन ने नाम देख लिए, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं जैसलमेर के नाम को। इट इज नोन एज गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी के बाद इसे कहा जाता है सिटी ऑफ हवेलीज, देन सिटी ऑफ हवेलीज है, हवेलियां हैं तो झरोखास होंगे, ठीक है सिटी ऑफ झरोखास, देन सिटी ऑफ फैंस, एंड देन रोज ऑफ डेजर्ट, प्लस साथ ही साथ में इसे क्या कहा जाता है, अंडमान ऑफ राजस्थान। ओके सो ये सारे क्या हैं, नाम है ऑफ जैसलमेर। अलॉन्ग विद इट आप देखेंगे जैसलमेर को म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे म्यूजियम्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम, ओके इसके अलावा बारी हवेली म्यूजियम, देन कोठारी की पटवा हवेली म्यूजियम एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, म्यूजियम्स हैं, तो दैट इज़ वाई जैसलमेर को म्यूजियम सिटी भी कहा जाएगा। नाउ जैसलमेर कंप्लीट हो गया, जोधपुर कंप्लीट हो गया, जैसलमेर कंप्लीट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट आता है नंबर भीलवाड़ा का। ओके भीलवाड़ा में अपन देखेंगे, भीलवाड़ा को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। व्हाई इट इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं। ओके
तो सबसे पहले मेवाड़ टेक्सटाइल मिल यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, एंड लेटर ऑन इसके बाद में काफ़ी सारी टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई वन बाय वन। एंड यहाँ की जो टेक्सटाइल है, यहाँ की जो टेक्सटाइल है इट इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, एंड भीलवाड़ा इज ऑल्सो नोन एज टेक्सटाइल सिटी। इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे भीलवाड़ा को जू ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। व्हाई इट इज नोन एज जू ऑफ मिनरल्स या फिर खनिजों का चिड़ियाघर इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूज स्टोर ऑफ माइका। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अमाउंट में या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में माइका, सोप स्टोन, कॉपर, फेल्सफर, वाइट क्ले एंड ग्रेनाइट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, माइका, सोप स्टोन, कॉपर, फेल्सफर, वाइट क्ले, ग्रेनाइट एक्सेट्रा, ये सारे मिनरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हैं। दैट इज़ वाई इसे क्या कहा जाता है, जू ऑफ मिनरल्स। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, जू ऑफ मिनरल्स। नाउ भीलवाड़ा के ये तीन नाम है, दैट इज मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, टेक्सटाइल सिटी एंड जू ऑफ मिनरल्स। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश हैं, एंड टेक्सटाइल सिटी बिकॉज यहाँ का टेक्सटाइल जो है वो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नाउ नेक्स्ट आता है बाड़मेर। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट आता है बाड़मेर। बाड़मेर में अपन देखेंगे, बाड़मेर में वी हैव किराड़ू टेम्पल। किराड़ू टेम्पल, किराड़ू टेम्पल को खजुराहो ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। खजुराहो वी ऑल नो इट इज़ नोन फॉर इट्स सेंचुअल थीम्स। जो इसमें सेंचुअल थीम्स है उसकी वजह से खजुराहो टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, अलॉन्ग विद इट्स आर्किटेक्चर, ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर। बट जो सेंचुअल स्कल्पचर्स हैं उनकी वजह से भी खजुराहो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड किराड़ो टेम्पल में भी आप क्या देखेंगे, इसी टाइप के सेंचुअल फिगराइंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ वाई किराड़ू टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल वॉल्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। ठीक है, कितने सुंदर तरीके से इनको डेकोरेट किया गया है विद आइडल्स इन वेरियस सेंट्रल पोजिशंस। ठीक है, नाउ बाड़मेर के बाद, बाड़मेर में किराड़ो टेम्पल है जिसको खजुराहो ऑफ राजस्थान कहा जाता है, एंड दैट्स इट अबाउट बाड़मेर। बाड़मेर के बाद आएंगे अपन सिरोही पे। नाउ सिरोही बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट सिरोही में लोकेटेड है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा पॉइंट है राजस्थान का सबसे हाईएस्ट व्हिच इज़ लोकेटेड इन सिरोही। सो अपार्ट फ्रॉम इट, सिरोही को अपन कहेंगे शिमला ऑफ राजस्थान। क्योंकि यहाँ पर हिल स्टेशन है माउंट आबू, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है सिरोही में। काफ़ी अच्छा मौसम रहता है सिरोही में। सो लाइक शिमला, शिमला क्या है, एक तरीके से जब पूरे इंडिया में समर होती है तो शिमला में काफ़ी अच्छा प्लेजेंट मौसम रहता है, उसी तरीके से सिरोही भी एक काफ़ी अच्छा टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है माउंट आबू वगैरह वाले एरिया में, आबू रोड वगैरह। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इसे कहा जाता है शिमला ऑफ राजस्थान। इसके अलावा इसे वर्क्योंसक ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। वर्क्योंसक इज बेसिकली अ प्लेस विच इज कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्क्योंसक कोल्डेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड। सो वर्क्योंसक ऑफ राजस्थान इज सिरोही। तो यहाँ पर आप देखेंगे माउंट आबू में काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर चला जाता है, एंड दैट इज़ वाई राजस्थान का लीस्ट टेम्परेचर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ वाई वर्क्योंसक किसे बोला जाता है,
सिरोही को। तो ये हो गया सिरोही। सिरोही के बाद में आएगा राजसमंद। राजसमंद, जस्ट अ सेकेंड, तो सिरोही में जो हाईएस्ट पोजीशन है वो होगी, वो है गुरु शिखर। ओके, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये सिरोही में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हिल स्टेशंस दिखाई देंगे, सिरोही में काफ़ी सारे हिली एरियाज दिखाई देंगे, एंड माउंट आबू वगैरह जैसे हिल स्टेशंस दिखाई देंगे। दैट इज़ वाई इसे शिमला ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाता है, विच इज़ लीस्ट इन द राजस्थान। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वर्क्योंसक ऑफ राजस्थान। अब सिरोही के बाद में आप देखेंगे आता है राजसमंद। राजसमंद में बेसिकली अपन देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी वॉर हुआ था। तो हल्दी घाटी वॉर को बेसिकली राजस्थान का थर्मापोली वॉर कहा जाता है। ओके, थर्मापोली वॉर ये ग्रीस में वॉर हुआ था इन 480 BC। तो ये भी काफ़ी बड़ा वॉर था जिसमें एक बहुत ही लार्ज आर्मी के अगेंस्ट काफ़ी छोटी आर्मी उसके अगेंस्ट लड़ी थी, एंड दे वॉन द बैटल। तो इसी तरीके से राजा अकबर, एम्परर अकबर की बड़ी आर्मी विच वॉज लेड बाय मान सिंह, ओके, महाराणा मान सिंह की तरफ से, सॉरी, अकबर की जो आर्मी थी विच वॉज लेड बाय मान सिंह ऑफ आमेर, ही बेसिकली फॉट अगेंस्ट महाराणा प्रताप। ठीक है, एंड महाराणा प्रताप जो थे उनकी छोटी सी आर्मी थी एज कंपेयर टू द अकबर्स आर्मी, एंड दैट इज वाई ये जो वॉर है वो महाराणा प्रताप ने जीता था, लाइक थर्मोपली वॉर। ओके, सो दैट इज वाई हल्दी घाटी को थर्मोपली ऑफ राजस्थान कहा जाता है। एंड दिवेर घाटी जो है, दिवेर घाटी, उसे मैराथन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ओके, दिवेर घाटी को मैराथन ऑफ राजस्थान कहा जाता है, विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन राजसमंद। तो ये दो जगह हैं जो राजस्थान राजसमंद में लोकेटेड हैं। नाउ आफ्टर दिस राजसमंद कंप्लीट होता है, एंड राजसमंद के बाद वी मूव टू उदयपुर। उदयपुर में आप देखेंगे काफ़ी सारे निकनेम्स उदयपुर को दिए गए हैं। सबसे पहले इसे मेवाड़ कहा जाता है, या मैद पार्ट भी इसे बोला जाता है। ओके, इसके बाद में प्रागवाट भी इसे कहा जाता था। सो दीज आर वेरियस नेम्स गिवन ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स। ठीक है, एंशियंट टाइम में अलग अलग पीरियड्स में जो उदयपुर के नाम थे, जैसे मेवाड़ है, मेद पाट है, प्रागवाट है, ये सारे क्या है, उदयपुर के एंशियंट नेम्स हैं। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी कहा जाता है किसे, उदयपुर को, क्योंकि आप देखेंगे उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लेक्स हैं, लाइक वी हैव लेक पिछोला, देन वी हैव फतेह सागर लेक, देन वी हैव रंग सागर लेक, देन वी हैव दूध तलाई लेक, देन स्वरूप सरोवर लेक एट्सेट्रा। ये क्या है, ये सारी लेक्स हैं इन उदयपुर। सो दे आर मेजर लेक्स ऑफ उदयपुर, एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज लेक्स, इतनी सारी जो लेक्स हैं उसकी वजह से राजस्थान उदयपुर को क्या कहा जाता है, लेक सिटी ऑफ राजस्थान। इसके बाद में राजस्थान का जो कश्मीर है, दैट इज कश्मीर ऑफ राजस्थान, किसे कहा जाता है, उदयपुर को।
क्योंकि कश्मीर क्या है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी झीलें हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर एरियाज़ हैं, वैलीज़ हैं। इसी तरीके से उदयपुर में भी आपको काफ़ी सुंदर झीलें, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी। दैट इज़ वाई उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ सो मैनी वाटर बॉडीज, इसे राजस्थान का वेनिस भी कहा जाता है। ओके, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेनिस। उदयपुर को राजस्थान का वेनिस भी कहा जाता है। वेनिस बेसिकली सिटी ऑफ केनाल्स है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बोट्स वगैरह काफ़ी चलाई जाती हैं, काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर्स हैं, पैलेसेस हैं, एंड उसके साथ साथ वाटर बॉडीज हैं ऑल अराउंड। सो लाइक सिटी ऑफ वेनिस, वी हैव उदयपुर सिटी विच इज़ वेनिस ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉट वेनिस ऑफ राजस्थान, आई एम सो सॉरी, वेनिस ऑफ ईस्ट। तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को। नाउ सिटी ऑफ फाउंटेन माउंटेन, सिटी ऑफ फाउंटेन माउंटेन दैट मीन्स यहाँ पर आपको काफ़ी सारे झरने दिखाई देंगे, अलॉन्ग विथ दैट काफ़ी सारी पहाड़ियाँ भी आपको दिखाई देंगी। ओके, सो वी हैव दोदावली वाटरफॉल, स्टेप फॉल, देन वी हैव अंबेरी घाट, सहेलियों की बाड़ी एट्सेट्रा, अलॉन्ग विथ सदर्न स्लोप्स ऑफ अरावलीज। ठीक है, अरावलीज की सदर्न स्लोप्स भी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको अरावलीज की सदर्न स्लोप्स भी हैं, अलॉन्ग विद इट काफ़ी सारे झरने भी हैं। सो ये क्या हो गया? उदयपुर एक तरीके से फाउंटेन माउंटेन सिटी हो गया। ओके, झरनों और पहाड़ों का शहर हो गया। ओके, नाउ उदयपुर को वियाना ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, वियाना ऑफ एशिया। वियाना में बेसिकली आप देखेंगे बहुत ही सुंदर इंपीरियल पैलेसेस हैं। लाइकवाइज उदयपुर में भी काफ़ी सारे पैलेस हैं, लाइक वी हैव लेक पैलेस, वी हैव शिव निवास पैलेस, वी हैव ट्राइडेंट पैलेस एट्सेट्रा, काफ़ी सारे पैलेसेस हैं इन उदयपुर। सो दैट इज़ वाई उदयपुर को वियाना ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ओके, उदयपुर को अगर आप ढंग से देखेंगे तो यू विल सी इसकी शेप लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसी है। ओके, सो इट इज शेप्ड लाइक ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इसे जिंक सिटी भी कहा जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ जिंक। ओके, तो रामपुरा अगोचा है, वहां पर क्या है, स्ट्रेटी फॉर्म में आपको हाई ग्रेड जिंक और लेड के डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे उदयपुर में। तो दैट इज वाई उदयपुर को जिंक सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बांसवाड़ा। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले, बांसवाड़ा पे जाने से पहले उदयपुर का, उदयपुर को क्या क्या कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है लेक सिटी, देन मेवाड़, मेदपाट, प्रगाट एट्सेट्रा, प्रागवाट सॉरी एट्सेट्रा, ये क्या कहा जाता है? ये नाम है उदयपुर के ड्यूरिंग द वेरियस पीरियड्स, वेरियस एंशियंट टाइम्स के जो पीरियड्स थे, वेरियस पीरियड्स ऑफ एंशियंट टाइम, उसमें अलग अलग नाम थे उदयपुर के। तो क्या क्या थे? मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट एट्सेट्रा। लेक सिटी इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है कश्मीर ऑफ राजस्थान, वेनिस ऑफ ईस्ट, देन सिटी ऑफ फाउंटेन माउंटेन, इट इज नोन एज हेवन ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, देन वियाना ऑफ एशिया। उसके बाद में उदयपुर की अगर आप शेप देखेंगे तो इट इज लाइक ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इसे जिंक सिटी भी कहा जाता है। ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ उदयपुर, वेरियस निक नेम्स ऑफ उदयपुर। उदयपुर के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन बांसवाड़ा की तरफ। सो बांसवाड़ा में आप देखेंगे, बांसवाड़ा को बेसिकली सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है। ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज सिटी ऑफ 100 आइलैंड, बांसवाड़ा में माही रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, बांसवाड़ा में माही रिवर फ्लो करती है, एंड माही रिवर वाइल फ्लोइंग थ्रू बांसवाड़ा, ये क्या है, एक तरीके की बियर्डेड रिवर बन जाती है। ठीक है, तो बियर्डेड रिवर इज बेसिकली एक यू कैन से फ्लूवियल लैंडफॉर्म है। जब डिपोजिशनल स्टेज में रिवर होती है
तो वो क्या करती है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है, सो इरोजन कम होता है एंड डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है. तो रिवर के बीच में ही काफ़ी सारा जो सेडिमेंट्स है, जो सिल्ट है, वो एक साथ इकट्ठा होने लग जाता है, तो छोटे छोटे आइलैंड टाइप स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं. एंड इस टाइप की रिवर को कहा जाता है बियर्डेड रिवर. सो बांसवाड़ा में बियर्डेड रिवर स्ट्रक्चर है माही रिवर का. सो माही रिवर ये क्या है, अपने डिपोजिशनल स्टेज में या थर्ड स्टेज में, बेसिकली ओल्ड स्टेज में फ्लो कर रही है इन बांसवाड़ा. सो ये क्या है, बियर्डेड फॉर्म में है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स, काफ़ी सारे आइलैंड्स फॉर्म हो रहे हैं बांसवाड़ा में, एंड इसी वजह से इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है. इसके अलावा आप देखेंगे बांसवाड़ा को चेरापूंजी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है. चेरापूंजी इन इंडिया इज़ बेसिकली द प्लेस वेयर हाइएस्ट रेनफॉल इज़ रिकॉर्डेड. ठीक है, यहाँ पर हाइएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है. सो राजस्थान की हाइएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है इन बांसवाड़ा. सो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हाइएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है ऑफ राजस्थान, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज चेरापूंजी ऑफ राजस्थान. सो ये हो गया बांसवाड़ा का. सो उदयपुर एंड बांसवाड़ा डन. अब आगे चलते हैं अपन टूवर्ड्स डूंगरपुर. नाउ डूंगरपुर में आप देखेंगे, डूंगरपुर को कहा जाता है माउंटेन सिटी ऑफ राजस्थान, माउंटेन सिटी ऑफ राजस्थान. नाउ सी एज अ नेम सजेस्ट डूंगर, ठीक है, डूंगर का मतलब होता है, ये एक राजस्थानी वर्ड्स है जिसका मतलब है हिलॉक, छोटी छोटी पहाड़ियाँ. तो उन्हें क्या कहा जाता है, डूंगर कहा जाता है, डूंगर प्लस पुर, दैट इज सिटी ऑफ हिलॉक्स. दैट इज माउंटेन सिटी. तो डूंगरपुर को माउंटेन सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग. डूंगरपुर के बाद अपन चलते हैं चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ में आप देखेंगे, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान की शान, प्राइड ऑफ राजस्थान. प्राइड ऑफ राजस्थान इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अ सिटी ऑफ ऑनर एंड प्राइड. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुंभलगढ़ फोर्ट में रानी पद्मावती ने जौहर परफॉर्म किया था इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, सेव हर ऑनर फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी पद्मावती ने विद हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, उन्होंने क्या किया था, जौहर परफॉर्म किया था. लाइकवाइज चित्तौड़गढ़ में जब भी आप देखेंगे राजा वगैरह हार जाते थे तो जो विमेन होती थी, वो जौहर परफॉर्म करती थी. तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में भी थ्री जौहर्स जो हैं वो परफॉर्म किए गए हैं. सो बिकॉज फॉर द ऑनर एंड प्राइड द वुमेन ऑफ चित्तौड़गढ़ और जो क्वींस एंड प्रिंसेसेस ऑफ चित्तौड़गढ़ दे परफॉर्म जौहर. ठीक है, तो दैट इज वाई चित्तौड़गढ़ इज नोन एज सिटी ऑफ या प्राइड ऑफ राजस्थान और सिटी ऑफ प्राइड एंड ऑनर. तो ये हो गया चित्तौड़गढ़. अब चित्तौड़गढ़ के बाद आगे चलते हैं अपन टूवर्ड्स कोटा. नाउ कोटा, यू सी कोटा इज नोन एज कानपुर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कानपुर इसे कहा जाता है, पिलग्रिम ऑफ एडुकेशन इसे कहा जाता है, नालंदा ऑफ राजस्थान इसे कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी इसे कहा जाता है, एंड देन इंद्रप्रस्थ इसको कहा जाता है. सो कानपुर क्यों कहा जाता है राजस्थान को, सी लाइक कोटा कानपुर भी एक इंडस्ट्रियल प्लस एजुकेशनल सेंटर है. तो यहाँ पर लेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं कानपुर में, एजुकेशनल सेंटर्स हैं. इन द सेम वे कोटा में भी आप क्या देखेंगे, कोटा में भी काफ़ी सारे एजुकेशनल सेंटर्स हैं प्लस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं. सो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सिटी इसीलिए कहा जाएगा कोटा को. तो इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशनल सेंटर्स कोटा में काफ़ी सारे लोकेटेड हैं.
those of you who have prepared for or who are preparing for IIT JEE, AIEEE ya fir NEET ke exam ke liye prepare kar rahe ho, they all know Kota is one of the best centers for preparing for all these examinations. Theek hai, to Kota like Kanpur is an industrial and educational hub. So that is why Kanpur of Rajasthan kise kaha jata hai, Kota ko kaha jata hai. उसके बाद आप देखेंगे पिलग्रिम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो शिक्षा का तीर्थ इसे कहा जाएगा. ओके, काफ़ी सारे एजुकेशनल सेंटर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, ये सारी क्या है, कोटा में लोकेटेड हैं. उसके बाद में नागपुर ऑफ सॉरी नालंदा ऑफ राजस्थान, नालंदा ऑफ राजस्थान इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी में जैसे आप देखेंगे बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आते थे, यहाँ पर नॉलेज लेने आते थे, इसी तरीके से कोटा में बेसिकली अपन देखेंगे कि बाहर से, बाहर के स्टेट से यहाँ पर कोटा में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने आते हैं. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज नालंदा ऑफ राजस्थान. इंद्रप्रस्थ सिटी इज इट इज़ नोन एज बिकॉज ऑफ इट्स सिटी, बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इतने ह्यूज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज इंद्रप्रस्थ सिटी और इंडस्ट्रियल सिटी. इन सब के अलावा कोटा इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ राजस्थान. वाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है. ओके, ये थर्मल पावर प्लांट फर्स्ट मेजर कोल फायर्ड पावर प्लांट है राजस्थान का, विच इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ चंबल रिवर. चंबल रिवर के पश्चिमी तट पर या बैंक पर लोकेटेड है ये थर्मल पावर प्लांट, विच इज फर्स्ट मेजर कोल फायर्ड पावर प्लांट, एंड दैट इज वाई कोटा इज नोन एज पावर हाउस ऑफ राजस्थान. ओके, तो कोटा के बारे में आपने देख लिया, इसे कानपुर ऑफ राजस्थान कहा जाता है, पिलग्रिम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, इसके बाद नालंदा ऑफ राजस्थान कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है, उसके बाद में आप देखेंगे इसे इंद्रप्रस्थ सिटी कहा जाता है. इसके अलावा आप देखेंगे इंडियाज कोचिंग कैपिटल भी किसे कहा जाता है, कोटा को. ओके, सो ये हो गया कोटा के बारे में. कोटा के बाद नेक्स्ट आता है झालावाड़. झालावाड़, नाउ झालावाड़ को नागपुर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है. ठीक है, झालावाड़ को नागपुर ऑफ राजस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि नागपुर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑरेंज प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो लाइक नागपुर, एज नागपुर इज टू इंडिया, झालावाड़ इज टू राजस्थान. तो झालावाड़ में हाइएस्ट ऑरेंज प्रोडक्शन होता है ऑफ ऑरेंजेस एज कम्पेयर टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. ठीक है, इसके अलावा राजस्थान को चेरापूंजी कहा जाता है, सॉरी झालावाड़ को चेरापूंजी कहा जाता है राजस्थान का. सी बांसवाड़ा इज ऑल्सो नोन एज चेरापूंजी ऑफ राजस्थान एंड झालावाड़ इज ऑल्सो नोन एज चेरापूंजी ऑफ राजस्थान, बट इनका रीजन अलग अलग है. राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एंट्री ऑफ मानसून झालावाड़ से होती है. ठीक है, तो एंट्री ऑफ मानसून जो होती है राजस्थान में वो होती है झालावाड़ से, एंड दैट इज वाई झालावाड़ इज नोन एज चेरापूंजी ऑफ राजस्थान. ओके, नाउ आगे चलते हैं अपन. ये हो गया झालावाड़, आगे चलेंगे अपन बारा की तरफ. बारा में आप देखेंगे वी हैव भंड देवरा. ठीक है, भंड देवरा जो है, सॉरी ये है भंड देवरा टेम्पल, ये इसे कहा जाता है मिनी खजुराहो. सो लाइक खजुराहो, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर भी सेंशुअल फिगराइंस आपको देखने को मिलेंगे एंड एक्सटर्नल वॉल काफ़ी ब्यूटिफुली एंड बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पर कार्विंग्स की गई हैं. ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे बारा को वाराह नगरी भी कहा जाता है, वाराह नगरी भी कहा जाता है.
सो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बंड देवरा, विच इज नोन एज मिनी खजुराहो. इसके अलावा बारा को क्या कहेंगे? वारा सिटी. ये क्या है? पुराना नाम है वारा, पुराना नाम है वारा नगरी. सोलंकी टाइम पे जो बारा है उसे कहा जाता था, तो ओल्डन टाइम का जो नेम है बारा का वो है वारा. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन टूवर्ड्स बूंदी. ओके, बूंदी को कहा जाता है स्मॉलर काशी, छोटा काशी कहा जाता है बूंदी को. वाई? बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे काफ़ी सारे पुराने टेम्पल्स हैं, काफ़ी सारे पुराने मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज स्मॉलर काशी. स्मॉलर काशी. उसके बाद में आप देखेंगे बूंदी को सिटी ऑफ बावड़ी भी कहा जाता है, या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है. सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बावड़ी देखने को मिलेंगी. ठीक है, काफ़ी सारी बावड़ीज देखने को मिलेंगी. तो बावड़ीज बेसिकली क्या है? ये एक तरीके के वाटर रिजर्वॉयर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. ओके, सो यहाँ पर स्टेप वेल्स हैं, तो इन स्टेप्स से नीचे उतर के आप पानी, जैसे बारिश आई तो एक लेवल तक इकट्ठा हो जाता था, एंड वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? पानी ले जा सकते हैं. ओके, सो ये क्या है? बावड़ीज या स्टेप वेल इन्हें कहा जाता है. ओके, तो सिटी ऑफ बावड़ीज क्या है? बूंदी. बूंदी इज बेसिकली सिटी ऑफ बावड़ीज. तो ये हो गया बूंदी के बारे में. बूंदी को वृंदावती भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज मोस्ट एंशियंट एंड पीसफुल टाउन, दैट इज वाई इट इज नोन एज वृंदावती. ठीक है, काफी ज्यादा एंशियंट और काफी ज्यादा शांत शहर है ये, इसलिए इसे वृंदावती भी कहा जाता है. ओके, सो वृंदावती, स्मॉलर काशी एंड सिटी ऑफ स्टेपवेल्स किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है. इसके बाद में चलते हैं अपन अजमेर की तरफ. नाउ अजमेर इज ऑल्सो नोन एज नोन बाय वेरियस नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नोन एज हार्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो काफ़ी हद तक बीचों बीच लोकेटेड होने की वजह से अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय. ठीक है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को. अजमेर में आप देखेंगे दरगाह शरीफ है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर में दरगाह शरीफ है. ये एक पिलग्रिम सेंटर है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, सो दैट इज़ वाई मक्का ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है. मक्का इज़ द होली प्लेस फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, एंड अजमेर में जो दरगाह शरीफ है उसे मक्का ऑफ इंडिया कहा जाता है. ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अजमेर को राजस्थान का कुंज भी कहा जाता है. राजस्थान का कुंज. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? तारागढ़ फोर्ट है. तारागढ़ फोर्ट बेसिकली जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान है, बिकॉज यहाँ पर आप क्या देखेंगे? काफ़ी बड़े, मतलब हाई फोर्ट, हाई माउंटेन तारागढ़ पर फोर्ट लोकेटेड है, तो इट इज़ लाइक वी कैन से इट इज़ सॉर्ट ऑफ इनएक्सेसिबल. ठीक है, एंड इसमें तीन गेट हैं. ओके, तीन गेट हैं, बट यू सी अंदर काफ़ी मिस्टीरियसली काफ़ी सारे पाथवेज इसमें बनाए गए हैं. ओके, विच आर फॉर टुडे विच आर अनएक्सप्लोर्ड. ठीक है, ज़्यादातर अनएक्सप्लोर्ड हैं, एंड क्योंकि ये इतने सीक्रेटिव पाथवेज हैं इसमें तारागढ़ फोर्ट में, तो यहाँ इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? राजस्थान की कुंजी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द तारागढ़ फोर्ट. तारागढ़ फोर्ट को बनाने वाले थे अजय पाल चौहान. इन्होंने अरावली माउंटेन पे, जो तारागढ़ माउंटेन थी वहाँ पर तारागढ़ फोर्ट बनाया, जिसे जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है. ओके, तो तारागढ़ फोर्ट पे जब आप खड़े होते हैं तो आप 360 डिग्री व्यूज़ ले सकते हैं. ओके, 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं आप पूरे एरिया का, एंड इससे पता चल जाएगा कि आपके
अगर दुश्मन आ रहे हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें। सो ये है तारागढ़ फोर्ट। इसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान का नाका भी अजमेर को कहा जाता है। नाका इज बेसिकली एक प्लेस जो कि सराउंडेड है काफी सारे प्लेसेस से। ओके, नाका मतलब काफी सारी चीजों से सराउंड होना। ओके, तो एक तरीके का नाका है बिकॉज ये एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है। ओके, एंड ये राजस्थान के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं नागौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, जयपुर एक्सेट्रा, इन सबसे क्या है, इससे इन सबसे कनेक्टेड है। ओके, इन सबसे सराउंडेड है। दैट इज वाई राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है, अजमेर को। ओके, अब इसके बाद में, अजमेर के बाद में आएगा करौली। जस्ट अ सेकेंड, अजमेर के बाद में आएगा करौली। करौली में आप देखेंगे इसे लैंड ऑफ रेड सैंडस्टोन कहा जाता है, लाल पत्थर की भूमि। ओके, ऑब्वियसली इसे क्यों कहा जाएगा लैंड ऑफ रेड सैंडस्टोन, क्योंकि यहाँ पर रेड सैंडस्टोन अवेलेबल है काफी अच्छी मात्रा में। बट ये हो गया करौली का। नेक्स्ट आता है धौलपुर। धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी रेड सैंडस्टोन अवेलेबल है। ओके, एंड काफी अच्छी क्वालिटी का रेड सैंडस्टोन अवेलेबल है। दैट इज वाई इसे क्या कहा जाएगा, रेड डायमंड। धौलपुर को रेड डायमंड भी कहा जाता है। एंड ईस्टर्न एंट्रेंस ऑफ राजस्थान किसे कहते हैं, धौलपुर को। ठीक है, धौलपुर को ईस्टर्न एंट्रेंस ऑफ राजस्थान कहते हैं। तो राजस्थान की जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है वो कौन सा है, धौलपुर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। आगे आता है भरतपुर। भरतपुर को एंट्रेंस गेट ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, या राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है। ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे महाराजा सूरजमल, इन्होंने राजस्थान का सिंह द्वार मतलब भरतपुर को स्टेब्लिश किया था। ओके, एंड इन्होंने इसे क्या कहा, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को। ठीक है, बट वैसे देखा जाए तो राजस्थान की जो वेस्टर्न मोस्ट पोजीशन है, जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है वो कहाँ पर है, वो है धौलपुर में। धौलपुर में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी जगह है जो कि वेस्टर्न मोस्ट है? सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा विलेज है जो कि वेस्टर्न मोस्ट विलेज है ऑफ, सॉरी, ईस्टर्न मोस्ट विलेज है ऑफ राजस्थान। ओके, आई एम सो सॉरी, ईस्टर्न मोस्ट। सो धौलपुर में बेसिकली आप देखेंगे राजखेड़ा तहसील में जो सिलाना गांव है, वो है ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ राजस्थान। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर को। बट ईस्टर्न एंट्रेंस ऑफ राजस्थान है वो क्या है, धौलपुर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। करौली जो है वो क्या है, लैंड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, रेड सैंडस्टोन की वजह से करौली को रेड डायमंड कहा जाता है। इसके अलावा, सॉरी, धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है एंड करौली को लैंड ऑफ रेड सैंडस्टोन कहा जाता है। धौलपुर को इसके अलावा ईस्टर्न एंट्रेंस ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है, ईस्टर्न एंट्रेंस ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। बट भरतपुर को एंट्रेंस गेट ऑफ राजस्थान या फिर राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है।
राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार ये नाम रखने वाले थे महाराजा सूरजमल, जिन्होंने इस भरतपुर को स्टेब्लिश किया था। तो महाराजा सूरज मल जी जो थे, इन्होंने ये नाम दिया था। अब आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो है अलवर। ओके अलवर। अब अलवर में अपन देखेंगे, अलवर को स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। व्हाई इट इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान? सी, स्कॉटिश वाइन जो है वो बहुत फेमस है एंड स्कॉटलैंड में वाइन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो अलवर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जहाँ पर एल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ओके, सो दैट इज़ वाई अलवर को स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार, ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर है, बट राजस्थान का सिंह द्वार क्या है? अलवर। ओके, आप देखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दिल्ली, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का राजस्थान का मेन एंट्रेंस हो गया, ठीक है, जो कैपिटल सिटी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है विद राजस्थान। ओके, तो आप देखेंगे इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार एंड इट इज ऑल्सो एनसीआर रीजन, ठीक है, ये एक एनसीआर रीजन भी है। इसके अलावा अलवर को कश्मीर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, कश्मीर ऑफ ईस्टर्न राजस्थान भी कहा जाता है। व्हाई इट इज नोन एज कश्मीर ऑफ ईस्टर्न राजस्थान? बिकॉज इट इज हब ऑफ टूरिज्म, जैसे कि भानगढ़ फोर्ट हो गया, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, सिलिसर लेक हो गई, ये सारे क्या हैं, अलवर में लोकेटेड हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई अलवर इज नोन एज कश्मीर ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। अलवर के बाद नेक्स्ट आता है जयपुर, विच इज कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरिस ऑफ ईस्ट, ठीक है, वेनिस ऑफ ईस्ट उदयपुर को कहा जाता है, पैरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है जयपुर को। व्हाई? बिकॉज ऑफ न्यूमरस स्पॉट्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है, तो सैलानियों के लिए काफ़ी सारे अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं विच आर लोकेटेड इन जयपुर, दैट इज़ वाई लाइक पैरिस इन फ्रांस, जयपुर इज नोन फॉर इट्स टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पैरिस ऑफ ईस्ट। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी इसे कहा जाता है। वाई? सी द पिक्चर एंड यू विल नो। ओके, सो इसे गुलाबी नगरी इन वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक हिंट ऑफ या ह्यू ऑफ पिंक आपको सारे स्ट्रक्चर्स में दिखाई देगा, ठीक है। इट्स ए सिटी ऑफ जूल्स एंड एम्ब्रॉयड भी कहा जाता है, पन्ना का शहर भी इसे कहा जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं, एज वी हैव रेड इन आर लास्ट लेक्चर, सबसे बड़ी पन्ने की मंडी जो है मार्केट ऑफ एम्ब्रॉयड कहाँ है, जयपुर में लोकेटेड है। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज सिटी ऑफ जूल्स और एम्ब्रॉयड, ठीक है। इसे रंगश्री द्वीप भी कहा जाता है एंड इट सीवी रमन, सीवी रमन ने जयपुर को बोला है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ओके, सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं अपन झुंझुनू की तरफ। झुंझुनू में बेसिकली आप देखेंगे झुंझुनू को कॉपर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर एंड झुंझुनू के खेतड़ी जो एरिया है उसे कॉपर सिटी कहा जाता है। ओके, कॉपर डिस्ट्रिक्ट एंड कॉपर सिटी आर लोकेटेड इन झुंझुनू। झुंझुनू के बाद नेक्स्ट आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ वी विल सी इज नोन एज बास्केट ऑफ फ्लावर्स, बास्केट ऑफ फ्रूट्स या फलों की टोकरी इसे कहा जाता है,
बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रूट्स दैट आर ग्रोन इन हनुमानगढ़ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाया इंदिरा गांधी केनाल भाखरा नांगल डैम एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट आती है नागौर. नागौर इज नोन एज सिटी ऑफ टूल्स. इसके अलावा इसे कहा जाता है मेटल सिटी ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो बिग सेंटर ऑफ रेंज ऑफ फंक्शनल मेटल क्राफ्ट. ठीक है, जो फंक्शनल मेटल क्राफ्ट जो है उसका बिग सेंटर है नागौर में, बहुत बड़ा सेंटर है. देन आप देखेंगे जो गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है या वी कैन से जो आपके क्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, उनके लिए जो डाई बनती है वो राजस्थान में सिर्फ नागौर में बनती है. ठीक है, अब आगे आता है गंगानगर. गंगानगर में बिकॉज ऑफ भाखरा नांगल डैम एंड इंदिरा गांधी केनाल यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा गेहूं की खेती होने लग गई. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का, एंड इट इज़ नोन एज ग्रेनरी ऑफ राजस्थान. ठीक है, राजस्थान की ग्रेनरी किसे कहा जाता है, गंगानगर को. ठीक है, अब उसके बाद में आता है बीकानेर. बीकानेर को ऊनों का घर, ऊन का घर, हाउस ऑफ वूल भी कहा जाता है. जस्ट अ सेकेंड, बीकानेर को कहते हैं हाउस ऑफ वूल. ओके, एंड बीकानेर को हाउस ऑफ वूल क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट एशियन वूल मार्केट. ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में. इसके अलावा आप देखेंगे चौकला और मगरा. ठीक है, मगरा, चौकला और मगरा जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वुल है, उनकी सबसे प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, अलॉन्ग विद जो रेगुलर वुल जो आती है, जो कि 30-35 माइक्रॉन्स की जो वुल्स होती हैं, ओके, वो तो अवेलेबल है ही है. इसके अलावा चोकला और मगरा वुल जो है उसकी बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है कहाँ पर, बीकानेर में. ठीक है, बीकानेर को रती घाटी कहा जाता है, रती घाटी. ओके, नाउ इसके अलावा बीकानेर को कैमल कंट्री भी कहा जाता है. डेजर्ट है, ठीक है, तो एनिमल कौन सा मिलेगा, कैमल. तो कैमल की काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इन राजस्थान, तो आप देखेंगे कैमल कंट्री किसे कहा जाता है, बीकानेर को. ओके, नाउ अब कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि आप देखेंगे ये है ताजमहल ऑफ मारवाड़. ठीक है, ताजमहल ऑफ मारवाड़ ये है जसवंत थाड़ा. ठीक है, जसवंत थाड़ा बेसिकली ये एक म्यूजियम है. ठीक है, जिसको बनाने वाले थे महाराजा जसवंत सिंह. महाराजा जसवंत सिंह ने इसे बनाया है एंड ये एक म्यूजियम है. इसे ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर और यूज ऑफ वाइट मार्बल. ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कोटा में, कोटा में दारा एरिया है. ठीक है, दारा एरिया है, यहाँ पर लोकेटेड है अबली मिनी पैलेस. अबली मिनी का महल, तो अबली मिनी का जो महल है वो बनवाया था महाराव मुकुंद सिंह ने. ठीक है, फॉर हिज लवर अबली मिनी. ठीक है, अबली मिनी जो थी वो उनकी लवर थी, एंड उस उनके लिए उन्होंने क्या किया था, एक पैलेस बनवाया था जिसे अबली मिनी पैलेस कहा जाता है. एंड महाराव मुकुंद सिंह जो थे वो सन ऑफ माधो सिंह है, जो कि कोटा के क्या थे, संस्थापक थे. ठीक है, कोटा के संस्थापक
दैट इज माधो सिंह के बेटे महाराव मुकुंद सिंह ने अबली मीनी पैलेस बनवाया था फॉर हर फॉर हिज लवर अबली मीनी। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे वी हैव दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल को भी सेकेंड ताजमहल कहा जाता है बिकॉज ऑफ ब्यूटिफुल कार्विंग एंड ब्यूटिफुल यूज ऑफ वाइट मार्बल। तो बाहर से ये जो टेम्पल है ये प्लेन दिखता है बट इनसाइड इट इज गॉर्जियस। ठीक है, काफ़ी सुंदर कार्विंग्स, काफ़ी हैवी और सुंदर कार्विंग की गई हैं इसमें। ओके, सो दिलवाड़ा टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ताजमहल। नाउ एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपन सारी चीज़ें। सारे निकनेम्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले जोधपुर, जोधपुर को कहा जाता है सन सिटी, गेटवे ऑफ थार, देन इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। ओके, इसके बाद में आता है जैसलमेर, जैसलमेर इज ऑल्सो नोन एज अंडमान ऑफ राजस्थान, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, सिटी ऑफ हवेलीज, रोज ऑफ डेजर्ट, ओके, एंड देन सिटी ऑफ झरोकाज, सिटी ऑफ फैन, म्यूजियम सिटी। ओके, तो ये क्या हो गए, जैसलमेर के नाम हो गए। जैसलमेर के बाद में आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को आप देखेंगे, भीलवाड़ा को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान एंड टेक्सटाइल सिटी। ओके, इसके अलावा आप कहेंगे इसे जू ऑफ मिनरल्स, ठीक है, खनिजों का चिड़ियाघर भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। इसके बाद में आएगा बाड़मेर। बाड़मेर में बेसिकली अपन देखेंगे, बाड़मेर इज बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, बाड़मेर बेसिकली अपन देखेंगे इधर किराड़ो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा विच इज खजुराहो ऑफ राजस्थान। ठीक है, नीचे चलते हैं, सिरोही आ गया, सिरोही इज शिमला ऑफ राजस्थान, वर्ख्योमसक ऑफ राजस्थान इसे कहा जाता है, देन राजसमंद, राजसमंद में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था उसे थर्मापली ऑफ राजस्थान कहा जाता है, एंड देन जो यहाँ पर दिवेर घाटी है उसे मैराथन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ओके, दिवेर घाटी को मैराथन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। नेक्स्ट आता है उदयपुर। उदयपुर को कहा जाता है मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, देन सिटी ऑफ लेक इसे कहा जाता है या लेक सिटी इसे कह सकते हैं, कश्मीर ऑफ राजस्थान इसे कह सकते हैं, वेनिस ऑफ ईस्ट, हेवन ऑफ टूरिस्ट, सिटी ऑफ फाउंटेन माउंटेन, देन वियना ऑफ एशिया, इसकी शेप कैसी है, ऑस्ट्रेलिया की तरह है, देन इसे जिंक सिटी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहा जाता है एंड देन चेरापुंजी ऑफ राजस्थान बिकॉज ऑफ हाइएस्ट रेनफॉल। ठीक है, देन डूंगरपुर, डूंगरपुर को सिटी ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, माउंटेन सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। देन चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को बेसिकली आप क्या कहेंगे, प्राइड ऑफ राजस्थान, ठीक है, या फिर सिटी ऑफ प्राइड एंड ऑनर, सिटी ऑफ प्राइड एंड ऑनर। नेक्स्ट आता है कोटा। कोटा इज बेसिकली कानपुर ऑफ राजस्थान, पिलग्रिम ऑफ एजुकेशन इसे कहा जाता है, नालंदा ऑफ राजस्थान इसे कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है कोटा को, इंद्रप्रस्थ भी कोटा को कहते हैं। ठीक है, लेट मी रेज इट वंस, कोटा हो गया। कोटा के बाद में अपन चलेंगे झालावाड़। झालावाड़ को बेसिकली नागपुर कहा जाता है एंड देन इसे चेरापुंजी ऑफ राजस्थान कहा जाता है क्योंकि एंट्री ऑफ मानसून कहाँ से होती है, झालावाड़ से। देन मिनी खजुराहो बारा में है, भंडदेवरा जो है टेम्पल वहाँ पर, वो मिनी खजुराहो वहाँ पर लोकेटेड है। ओके, भंडदेवरा टेम्पल उसे मिनी खजुराहो कहा जाता है, सॉरी, एंड ये बारा में है। नाउ सिटी ऑफ बावड़ीज, बूंदी, बूंदी को सिटी ऑफ बावड़ी कहते हैं, देन इसे वारा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, वारा नगरी क्योंकि सोलंकी के टाइम ये इसका पुराना नाम है, इसे स्मॉलर काशी भी कहते हैं, एंड देन वृंदावती भी इसका नाम है, वृंदावती बिकॉज इट इज मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट पीसफुल टाउन। ओके, देन आता है अजमेर। अजमेर इज नोन एज हार्ट ऑफ राजस्थान, मक्का ऑफ राजस्थान जो है
वो अजमेर शरीफ दरगाह है वो यहाँ पर लोकेटेड है। राजस्थान का कुंज तारागढ़ फोर्ट जो है वो अजमेर में लोकेटेड है। राजस्थान का नाका अजमेर को कहा जाता है। देन करौली, करौली लैंड ऑफ रेड सैंडस्टोन है, ठीक है। रेड डायमंड धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर को एंट्रेंस, ईस्टर्न एंट्रेंस ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। एंट्रेंस गेट ऑफ राजस्थान भरतपुर को कहते हैं, ओके। भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहते हैं। महाराजा सूरजमल जो थे उन्होंने ये नाम दिया था, उन्होंने ये नाम दिया था इसको, ओके। देन आता है अलवर, अलवर को स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान कहा जाता है, ओके। राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है अलवर को। एंड देन कश्मीर ऑफ ईस्टर्न राजस्थान भी कहा जाता है अलवर को। जयपुर, जयपुर इज पैरिस ऑफ ईस्ट। देन पिंक सिटी, सिटी ऑफ जूल्स, सीवी रमन ने इसे कहा था आइसलैंड, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। रंग श्री द्वीप भी जयपुर को कहते हैं, ओके। उसके बाद में आता है झुंझुनू, तो झुंझुनू को कहते हैं कॉपर डिस्ट्रिक्ट। एंड झुंझुनू में खेतरी एरिया को कहते हैं कॉपर सिटी, ओके। हनुमानगढ़ को बेसिकली फ्रूट बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है, ओके। नागौर अगर आप देखेंगे तो मेटल सिटी ऑफ राजस्थान है, यहाँ पर इसे सिटी ऑफ टूल्स भी कहा जाता है। गंगानगर को ग्रेनरी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। बीकानेर को वी विल से बीकानेर इज हाउस ऑफ वूल, ठीक है, वूल ऊन का घर है, ठीक है। रति घाटी भी बीकानेर को कहा जाता है। जसवंत थाड़ा अपन ने देखा ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, एंड दैट इज वाई जसवंत थाड़ा को कहते हैं ताजमहल ऑफ मारवाड़, ठीक है। इसको बनाने वाले थे महाराजा जसवंत सिंह। देन इसके बाद में आता है सेकंड ताजमहल, सेकंड ताजमहल में आता है अम्बली मिनी पैलेस। अम्बली मिनी पैलेस इट इज़ इन कोटा दारा एरिया, ठीक है, दारा एरिया में, कोटा में ये अम्बली मिनी पैलेस लोकेटेड है। मैराथन ऑफ सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद में जो दिलवाड़ा टेम्पल है वो यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंट्रेंसिक कार्विंग की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है, एंड मार्बल का यूज़ हुआ है यहाँ पर। दैट इज़ वाई दिलवाड़ा टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड ताजमहल ऑफ राजस्थान, ठीक है। ताजमहल या सेकेंड ताजमहल कहा जाता है दिलवाड़ा टेम्पल को। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द निक नेम्स ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, ओके, विद एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है गाइज आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।